अहम खबर यह है कि शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सलमान शहबाज ने स्पेशल सेंट्रल अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई है। अदालत ने वकील अमजद परवेज की अदम मौजूदगी के बायस कार्रवाई मुलतवी कर दी है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए तलब कर लिया है। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक कहिएगा। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई, तो शहबाज शरीफ के साहबजादे सलेमान शहबाज समेत दीगर अदालत में पेश हुए और इस मौके पर सलेमान शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। इस मौके पर सलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं और इस हवाले से उनके एसोसिएट ने अदालत को आगाह किया, जिस पर अदालत ने सलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई 10 जून तक मुलतवी कर ली और आइंदा समाअत पर वकला को बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली है। एहतसाब अदालत ने हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 10 मई तक तौसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी तलब कर ली है। खबर यह है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है, जबकि एहतसाब अदालत ने हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की बुरी जमानत में 10 मई तक तौसी भी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तलब कर ली है। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली है।